शिवपाल सिंह यादव की रथ यात्रा का मथुरा से आगाज 12 अक्टूबर को हुआ था रायबरेली में जाकर खत्म होगा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव 12 अक्टूबर को सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकाली थी। यह यात्रा मथुरा से शुरू हुई थी और 7 चरणों में रायबरेली में खत्म होगी। इस यात्रा के जरिए शिवपाल सभी जिलों में चुनावी दौरा करेंगे और प्रसपा के नेताओं ने बताया कि पहले शिवपाल यादव का रथ यात्रा मथुरा से होते हुए आगरा, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, लखनऊ होते हुए जाएगी। आखिरी व 7वां चरण 27 नवंबर को खत्म होगा। प्रसपा नेताओं ने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की अहम भूमिका होगी। सामाजिक परिवर्तन यात्रा एक के तहत से धर्म युद्ध और जिसमें पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, कौरवों ने पांडवों को 1 इंच जमीन देने से इनकार किया था। प्रदेश महासचिव अजय त्रिपाठी ने कहा कि हर जिले में रथ यात्रा के जरिए स्थानीय लोगों को समस्याएं सुनी जाएंगी। रथ यात्रा अकबरपुर से होते हुए सचेंडी बनके शहर से अनेक जगहों पर होते हुए लखनऊ में समाप्त होगी। वहीं सचेंडी में प्रसपा जिलाध्यक्ष विनोद कुमार प्रजापति ने सचेंडी प्रसपा सुप्रीमो शिवपाल सिंह यादव को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया और चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान समारोह में अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। नहीं दे पाएंगे, हम आपको भरोसा दिलाते हैं सरकारी बजट से जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा उसके साथ साथ सरकारी बजट से 5-5 लाख रुपया जैसे